नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप उसमें कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपका वो चेंज करना चाहते हैं, जो कि आपके मोबाइल नंबर है जो उसमें ऑलरेडी अपडेट है, चेंज करना चाहते हैं, या फिर अगर अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है गाइस, उसी बारे में बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चैनल पर हमारे पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस जो आप लोग के लिए बना के लाया करता हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप कोई भी एक ब्राउजर ले लीजिए, जिस ब्राउजर में आपको कंफर्टेबल हो वो ब्राउजर ले लीजिए, और वहाँ पे यहाँ पे सर्च बार में जाके टाइप करना है आपको परिवहन, perivahan.gov.in। सिर्फ इतना आपको टाइप करना है। जैसे ही टाइप करेंगे, एंटर मारेंगे, आपका जो है परिवहन का वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पे भी नीचे है, जो भी अगर आपको इसमें कुछ लगता है आपके हिसाब से तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने लाइसेंस में मोबाइल नंबर जो है कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर अपडेट करना चाहें तो कैसे न्यू नंबर जो है अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सर्विस जो दिख रही है, यहाँ पे दिखना है आप, यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, तो इस पे थर्ड वाले पे क्लिक करना होगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट नेम, यहाँ से आपको आपका जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना होगा जिस स्टेट में आप रहते हैं। तो अभी फिलहाल मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो यहाँ पे मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट करूँगा। सो जैसे ही आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का स्टार्टिंग के 2 से 3 अल्फाबेट टाइप करते हैं तो आपका वो स्टेट यहाँ पे आ जाएगा, तो उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिया है, जिसमें से अगर आपको कुछ लगता है यूज़ करना है तो आप उसको यूज़ करिए, अदरवाइज यहाँ से इसको छोड़ दीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस में कॉन्टैक्ट नंबर कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये अदर्स लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा मोबाइल नंबर अपडेट। ठीक है, मोबाइल नंबर अपडेट पर क्लिक करेंगे और आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके आधार नंबर से आपको जो है ये वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे आधार नंबर या तो फिर वर्चुअल आईडी, तो जनरली लोगों के पास आधार नंबर ही होता है। तो चलिए हम आधार नंबर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपना आधार नंबर जो है वो डाल देते हैं। आधार नंबर जैसे ही डालते हैं तो आपका जो आधार नंबर में मोबाइल नंबर जो लिंक किया गया है वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एक आपको यहाँ पे OTP जनरेट होगी जो कि आपको यहाँ पे नीचे एंटर करना होगा। तो चलिए मैं OTP जनरेट कर लेता हूँ, और वो OTP जैसे ही मेरे मोबाइल पर आएगा यहाँ पे आपकी मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट दिखा देगा कि आपके कौन से नंबर पे OTP गया है, तो आप उसे आइडेंटिटी कर सकते हैं कि आपकी OTP कहाँ जा रही है। ठीक है, OTP जाने के बाद यहाँ जैसे आपकी OTP रिसीव हो जाती है तो यहाँ पे आपको वो OTP एंटर करनी होगी। तो फिलहाल अभी मुझे OTP आ गया है, तो चलिए मैं इसमें एंटर कर देता हूँ। तो ये OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टिक मार्क दिए गए हैं, जो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे टाइम लाइन चल रहा है OTP रीसेंड करने के लिए। अगर आपके पास OTP नहीं आती है तो आप यहाँ से दोबारा से फिर से रीसेंड कर सकते हैं, तो फिर से आपको OTP भेज दिया जाएगा। देखिए रीसेंड का बटन यहाँ पे पॉपअप हो गया है। तो फिलहाल मेरे OTP आ गया, मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेट यहाँ पे बटन वाले पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए मेरा लाइसेंस जो है वो ओपन हो चुका है, तो जो जैसा है भरा है उसको वैसे ही रखना। खाली आपको एक बार वेरीफाई करना है कि आपका ये डिटेल्स जो है वो दिखा रहा है वो सब प्रॉपर है ना। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या बताता है इस। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज खुल गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा है सिलेक्ट क्राइटेरिया। अब उसके बाद सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या है, लर्निंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर कंडक्टर लाइसेंस है। तो हमारा फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लाइसेंस डेट ये ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे आ गया ऑप्शंस। यहाँ पे आपको लाइसेंस का जो डेट इशू अपडेट है वो आपको डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो डालना होगा, और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो बाई डिफॉल्ट आ गई है तो उसको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो चीज़ें हमें डालनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे लाइसेंस ऑफ इशू डेट वो डाल देता हूँ कि कभी इशू हुआ था। यहाँ से आप कैलेंडर के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे मेरा 2009 में लाइसेंस जो है मेरा क्रिएट हुआ था, तो चलिए मैं इसको 9 सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे अभी डेट मेरा जो है वो 26 यहाँ पे दिया गया था, तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा आप लाइसेंस इशू अपडेट हो गया। और यहाँ पे आप डीएल नंबर आप देखेंगे ऊपर सब टॉप में लिखा होता है, जहाँ से
अब यहाँ पे मैंने देखिए लाइसेंस इशू डेट डाल दिया है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है कि डीएल नंबर जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर वो डाल दिया है, और यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही आ गया है। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब ये जैसे सबमिट करते हैं आपकी डिटेल्स जो है यहाँ पे आ जाएगी, तो आप वो एक बार करेक्टली चेक कर लीजिए कि आपको प्रॉपर डिटेल्स दिखा रहा है, क्योंकि अगर आप किसी और का लाइसेंस नंबर डाल देंगे तो यहाँ पे उनका डिटेल्स जो है रिफ्लेक्ट करने लगे, क्योंकि उस डेट को तो बहुत सारे लोगों का लाइसेंस बना होगा, तो अगर आगे पीछे अगर एक डिजिट भी चेंज होता है तो किसी और का लाइसेंस नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वो नाम, फादर नेम, लाइसेंस नंबर्स और डेट ऑफ बर्थ ये सब आप करेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर जो है मेरा ब्लैंक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मोबाइल नंबर जो अपडेट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर्स अपडेट नहीं किया गया है। तो मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर्स क्लिक करने के लिए आप यहाँ पे पूछ रहा है मोबाइल नंबर्स आपको डालना है, यहाँ पे न्यू मोबाइल नंबर जो भी आपको रजिस्टर करना है वो कर लीजिए। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस देखिए मैं आपको यहाँ एक बता दूँ कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस ये कर रहा हूँ कि जो जब मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर कर रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे ही मैं सेकेंड वाले कन्फर्म वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए एक विंडो पॉपअप हो रहा है, यहाँ पे लिख कर रहे हैं कि आधार मोबाइल नंबर मस्ट बी इक्वल टू न्यू मोबाइल नंबर। तो इसमें गाइस ये क्या करना होगा कि जो भी आप नंबर रजिस्टर करेंगे यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड में नंबर मोबाइल नंबर है वही नंबर आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज आप नया नंबर यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आधार कार्ड वाला जो मोबाइल नंबर है वो मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही आपका दोनों नंबर्स यहाँ पे दोनों ऊपर और नीचे न्यू नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर्स में अपडेट होता है दोनों, उसके बाद यहाँ पे रीजन फॉर चेंज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको रीजन ऐड करना है वो कर सकते हैं, फिलहाल मेरा नंबर ऐड नहीं था तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड माई नंबर, यहाँ पे मैंने डाल दिया ऐड माई नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मेरा नंबर। अब इसको प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आपका जो नंबर आधार नंबर वाला है उस पे एक ओटीपी भेजा जाएगा और वो ओटीपी वापस से आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए ई वाहन की तरफ से मुझे एक ओटीपी आया है जिसमें मेरा वैलिडेशन ये ओटीपी वन टाइम पासवर्ड होता है, तो चलिए मैं इसको डाल देता हूँ। अब देखिए मेरा ये ओटीपी हो गया, अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता थोड़ा टाइम वेट करिए, क्योंकि नेटवर्क की वजह से कभी कभी थोड़ा आगे पीछे ओटीपी होता है, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आपको मोबाइल को जो है आपका डिवाइस जो है उसको बंद करके फिर से चालू करिए, रीस्टार्ट करिए, तो नेटवर्क कभी कभी अगर नहीं होता है तो वो आपको प्रॉपर नेटवर्क आ जाएगा, और फिर से आप रीसेंड का बटन करके यहाँ पे दबा के जैसे टाइम लाइन खत्म होता है वैसे आप रीसेंड करके फिर से आप मंगा सकते हैं। तो अब ये देखिए मैंने ओटीपी यहाँ पे डाल दिया, अब यहाँ पे लिख के आया ओटीपी सक्सेसफुली मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना होगा, तो वेरीफाई पे क्लिक करते ही मेरा ओटीपी जो है ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, चलिए प्रोसेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आगे देखते हैं कि क्या स्टेप आता है। अब इस पे जैसे ही क्लिक किया मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है सक्सेसफुली अपडेटेड लाइसेंस नंबर, मेरा लाइसेंस नंबर आ गया विथ मोबाइल नंबर्स, ये नंबर्स मेरा जो है ऐड हो गया, ठीक है। तो ये गाइस इसी तरीके से बहुत ईजी प्रोसेस था, आप अपने लाइसेंस में मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट कर सकते हैं, अगर आपके पास मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो अभी तक वो अपडेट करा लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में वो काम ही आता है। और अगर आपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज कराया है तो भी आप यहाँ पे नंबर जो है आप चेंज करा सकते हैं, तो सिर्फ आपका जो आधार कार्ड नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है वही नंबर आप ऐड कर सकते हैं, दूसरा नंबर आप इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस बता दिया हूँ। तो गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना के लाया करता हूँ। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। We'll be right back.